रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ, मैं नामिका। जी हाँ, बात विधायक गोपाल मंडल की। वही विधायक जो ट्रेन में अंडरवियर में घूम रहे थे, जो यात्रियों से गाली गलौज तक किए थे और अभद्र व्यवहार किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के कथित अभद्र व्यवहार पर काफी नरमी से पेश आए। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल 2 सितंबर को पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरगार्मेंट में टहल रहे थे, अंडरवियर में टहल रहे थे, जिसके बाद में उनके व्यवहार पर आपत्ति जलाई गई। आपको बता दें कि गोपाल मंडल के खिलाफ रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज की है। जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि गोपाल मंडल के खिलाफ उनके व्यवहार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये तो चीजें होती रहती हैं, जांच चल रही है। उन्होंने पटना के भारी भीड़भाड़ वाले अशोक राजपथ रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करते हुए तमाम बातें कही, तो बात को काफी अच्छे से उन्होंने दूसरा रूप दे दिया। अब आपको बता दें कि ट्रेन में अंडरगार्मेंट पहनकर चलने पर राजद और लोजपा ने गोपाल मंडल की आलोचना की है। राजद प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा कि विधायक के अभद्र व्यवहार ने बिहार की छवि खराब की है, ऐसे नेताओं की वजह से दूसरे राज्यों में लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं। वहीं विपक्षी नेता चिराग पासवान ने आरा में अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि हम जिस जगह में रह रहे हैं उसकी गरिमा को बनाए रखना है, कुछ मर्यादा है जिसका हमें पालन करना है, क्योंकि आसपास महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग है। उस विधायक का व्यवहार निंदनीय था, नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार काफी कुछ करते हैं। आपको यह भी बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर पटना से दिल्ली आ रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में अर्धनग्न अवस्था में मौजूद होने पर ट्रेन में मौजूद लोगों ने आपत्ति भी जताई, उनकी तस्वीर भी खींची और आरोप लगाया कि आपत्ति जताने पर विधायक ने उनके साथ गाली गलौज की और धमकी देने लगे। तो इस तरह की छवि अगर वापस से बिहार की बनेगी तो आप सोच सकते क्या होगा। विवाद बढ़ा तो सफाई देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि वो ट्रेन में चड्डी बनियान में थे, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन में सवार हुए उनका पेट खराब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं हम सच बोलता हूं, झूठ बोलता नहीं, झूठ बोलने से मुझे फांसी नहीं लग जाएगा। तो अब अगर इस तरह की वाकई में छवि दिखाई गई वापस से बिहार की, जिसको बनाने में काफी